आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना की चटपटी और मसालेदार खिचड़ी। खिचड़ी बताते वक्त मैंने छोटे छोटे स्टेप्स बताए हैं जिससे आपकी खिचड़ी जो है खिली खिली बनेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि साबूदाना को हमें कितने देर के लिए सोक करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा साबूदाना लिए हैं, ये मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर मैं इसमें एक कप पानी डाल के हमें इसे मसल मसल के अच्छी तरीके से धो लेना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है निकल जाए। आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा जो है धुल चुका है, सारे पानी मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, एक कप साबूदाना के लिए मैं इसमें एक कप पानी ले रही हूँ। अब देख सकते हैं साबूदाना से थोड़ा सा ऊपर हमें पानी लेना है बस, ताकि अच्छी तरीके से डिप हो जाए, और हम इसे रख देना 6 से 7 घंटे के लिए सोख होने के लिए। साथ ही में मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, इसे हमें रोस्ट कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम में। देख सकते हैं बादाम हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे साइड रख के, और एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम इसे डाल के दरदरा हमें इसे पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अच्छी तरीके से लगभग 1 से 2 मिनट तक अगर आप इसे पीसेंगे तो इसका पाउडर बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे साबूदाना का। तो अब यहाँ देखिए साबूदाना हमारा जो है 6 से 7 घंटे के बाद अच्छी तरीके से ये हमारा सोख हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म करूँगी, साथ ही मैं यहाँ से डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाए तब मैं लूंगी यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा। अब मैं लूंगी थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्च। अब हमें इसे मिक्स करना है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नमक की जगह सेंधा नमक का यूज करें, और करी पत्ता वगैरह स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 छोटे वाले आलू, इसे मैंने बॉईल कर लिया है, इसे छोटे छोटे पीस में मैंने कट करके मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कच्चे वाले आलू भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आलू का कलर जो है चेंज हो रहा है हल्का, ये परफेक्टली कुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी साबूदाना, एक एक करके अच्छी तरीके से देखें साबूदाना को डाल दें। अभी आपको लगेगा कि आपका साबूदाना जो है चिपकेगा, बट जब आप इसमें जो मैजिक इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका साबूदाना जो है बिल्कुल नॉन स्टिकी बनके तैयार हो जाएगा। तो साबूदाना को हमने साइड अच्छे तरीके से ले लिया है, अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हमें इसमें इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई में हमें नहीं रखना है। तो हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट जो है बादाम वाले पाउडर। तो इसे मैंने यहाँ पर सारे बादाम के पाउडर को मैंने डाल दिया है। ये डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लें। इससे जितने भी साबूदाने अगर आपके इकट्ठे हो गए होंगे ना, तो ये सारे अपने आप ही अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे अलग हो चुके हैं एक दूसरे से। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार लें। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो लगभग साबूदाना का ये जो है खिचड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, मैक्सिमम 10 मिनट लगती है अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है तो, बस सोक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो नमक डालने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती, और इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म ही खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और ये बहुत ही ईजी वे है बनाने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो की रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ मैंने सारे रिटर्न इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ ही में रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।